नमस्ते दोस्तों, एग्जॉटिक बर्ड सेवरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो वीडियो है वो स्टार्टिंग हम अपने ये हैंड फीडिंग चिक्स से कर रहे हैं जो कि वाइट फेस का है। अगर किसी भाई को नीड हो तो वो ले सकता है। बाकी आज की जो वीडियो है वो डीएनए टेस्टिंग के ऊपर होने वाली है। जैसा कि आप सब जान रहे हो कि हमारे बर्ड्स के लिए डीएनए टेस्टिंग कितनी ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर हम मेल फीमेल कंफर्म करके पेयरिंग नहीं करेंगे तो हम ब्रीड नहीं ले पाएंगे। और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी होती है काफ़ी भाइयों को। छोटे बर्ड्स में तो आप पहचान लोगे कि मेल फीमेल कैसे करते हैं, जैसे फिंचेस हो गई, जावा वगैरह, बजीज वगैरह। पर जब लबर्ड और बड़े बर्ड की बात होती है तो मेल फीमेल थोड़ा कंफर्म बता पाना मुश्किल होता है, तो उसके लिए डीएनए टेस्टिंग कराई जाती है। तो डीएनए टेस्टिंग बहरहाल कैसे करा सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि अब ये सामने एक पीस है, अभी मैंने इसको हैंड फिटिंग करके बड़ा किया है, तो अभी मैं श्योर नहीं हूँ कि ये मेल निकलेगा या फीमेल निकलेगा। बट इसकी अगर डीएनए टेस्टिंग मैं करा लूँगा तो मैं कन्फर्म हो जाऊँगा अभी बचपन से ही कि ये मेल है या फीमेल है। फिर इसी के एज के बराबर की एक जो भी दूसरा पीस होगा उसको भी लेकर अगर बचपन से हम इसकी पेयरिंग करेंगे तो ये 10 से 12 महीने के बाद हमारा ब्रीड करने लायक हो जाएगा। बहरहाल इस बात को साइड में करते हैं। अभी जो मैं हैंड फीडिंग करा सॉरी डीएनए टेस्टिंग कराने वाला हूँ अपने इस वाले पीसेस की, और एक जो हुआ फ्रेंड साथ में हम अपने ये हैंड टेम जो हमारे पास स्मॉल कनूर है इसकी भी डीएनए करने वाले हैं, क्योंकि इसकी एज जो है लगभग 1.5 साल के आसपास, 1 साल के ऊपर ये हो चुका है। और अभी जो है हम इसकी डीएनए टेस्टिंग इसीलिए करा रहे हैं क्योंकि इसका पार्टनर हमें लाना है। आप लोगों से वादा भी किया था कि जैसे ही हमारे चैनल पे 2000 सब्सक्राइबर के आसपास होंगे तो वैसे ही मैं इसके लिए जो है इसका पार्टनर ले आऊँगा। तो अभी बहरहाल जो है हमारे चैनल पे 1800 लगभग सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए, और जल्दी से आप लोग 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दीजिए, तब तक इसकी डीएनए टेस्टिंग वगैरह आ जाएगी, फिर इसका हम पार्टनर भी लेकर के आने वाले हैं। तो अभी ये अपने कोको का एक इसका हम डीएनए टेस्टिंग करवाएंगे, और साथ ही साथ अपने हैंड फीडिंग कुछ चिक्स का और कुछ सरप्राइजिंग जो बर्ड है उसका भी हम डीएनए टेस्टिंग करवाएंगे। तो चलिए डीएनए टेस्टिंग करवाते कैसे हैं उसको मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक ऐसी पॉलीथीन ले लेनी होगी जिसमें कि इनका जो फेदर का सैंपल है वो जाने वाला है, और ये मैं पहले से करवाया था, इस वजह से मैं जो है रेड बेली वालों ने मुझे ये भेजा है पॉलीथीन। बेसिकली मैं इन्हीं से करवाता हूँ क्योंकि ये इन जो है काफ़ी अच्छा इनका रिज़ल्ट रहा है, और जब मैं इसके पहले डीएनए टेस्टिंग करवाया हूँ तो जो है ये कुछ ऐसे कार्ड बना करके आपको भेजेंगे। और अभी इस जो 2024 में मई में जो जून में सॉरी जो ऑफ़र चल रहा है वो शायद 115 रुपये का कार्ड के साथ डीएनए टेस्टिंग का है, और 100 रुपये का विदाउट कार्ड, मतलब ये कार्ड नहीं मिलेगा पर वो लोग सैंपल देखकर आपको बता देंगे कि आपका बर्ड मेल है या फीमेल है। आपको एक ऐसे जो है लिफाफे की ज़रूरत होगी जिससे कि आप अपने बर्ड को भेज पाओगे, इसी की में रख करके कुरियर करोगे। अब जो है अब मैं अगर बात करूं कि मैं इसके जो है फेदर कहां से कलेक्ट करूंगा, तो फेदर आप जो है बर्ड्स के अपने यहां से कलेक्ट कर सकते हो, इस जगह से यहां से लगभग 4 से 5 फेदर आप कलेक्ट कर लो बर्ड के, और बर्ड को जो है आप डीएनए के लिए भेज सकते हो। अभी मैं फेदर जो है इनके कलेक्ट करता हूँ, उसके बाद मैं इसमें डिटेल्स भर के भी दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल आप पॉलीथीन को ऐसे ओपन कर लो, ताकि क्योंकि मैं अकेला ही हूँ तो इसको मैं पहले कर ले रहा हूँ, ताकि जो है मुझे जब फेदर मैं कलेक्ट करूँ बर्ड का तो बर्ड को प्रॉब्लम हो। तो जो फेदर कलेक्ट करना है फ्रेंड्स वो चेस्ट का करना है, ठीक है। तो इस जगह का आपको फेदर पकड़ना है, और ऐसे पकड़ के नीचे के साइड, तो देख सकते हैं ये फेदर आ गया है, और इस फेदर को ऐसे पॉलीथीन में आपको डाल देना है, और भी साइड से अगर आप चाहो तो इसी का देखिए मैंने ये भी फेदर कलेक्ट कर लिया है, और इतना इनफ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी जो है मैंने देखिए फेदर इसमें कलेक्ट कर लिया है, और इसको अब जो है एयर टाइट करके टाइटली जो है इसे मैं ये पूरी तरीके से बंद कर सकता हूँ। तो अभी देखिए इसमें फेदर बर्ड्स के आ चुके हैं, और अब जो इसमें बर्ड के देखिए मैंने रिंग भी पहना रखी है, तो इससे मैं आइडेंटिफाई कर लूँगा कि मेरे बर्ड्स की रिंग नंबर क्या है। तो इसका जैसा कि आप देख सकते हो 06 है, एग्जॉटिक बर्ड सेवरी 06। तो अभी बर्ड को मैं छोड़ दे रहा हूँ। तो अभी आपको देखिए इसमें भरना क्या है, यहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हैं कि आप किस आपका क्या नाम है, और आपके फॉर्म का क्या नाम है वहाँ पे यहाँ पे लिखना है आपको, और बर्ड की रिंग आईडी क्या है वो लिखना है, साथ में जो है आपको लिखना क्या है यहाँ पे कि बर्ड किस स्पेसिस का है, या नीचे आप डाल सकते हैं बर्ड्स स्पेस नेम डाल सकते हैं। जैसे होता है लबर्ड में अलग अलग म्यूटेशन होती है, तो उसके लिए यहाँ भी दिया गया है, यहाँ आप लबर्ड डाल सकते हैं, यहाँ उसकी म्यूटेशन डाल सकते हैं। तो इस तरीके से कर करके जो है आपको इसको फिलअप कर देना है,
और अपने जो कुरियर वाला बैग है उसमें ले जाकर के इसको डाल के कुरियर कर देना है। तो अभी मैं चलूँगा कुरियर करने भी, वो भी आपको दिखाऊँगा। तो अभी जो है इसको करते हैं, भरते हैं, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। देखिए जैसा मैं आपको दिखाया था इसको कैसे फिल करना है, देखिए वैसे मैंने फिल कर दिया है। यहाँ पे अपना नाम डाल दिया है, यहाँ फार्म का नाम डाल दिया है, और यहाँ पे मैंने जो रिंग आईडी थी ना एग्जॉटिक बर्ड एवरी 06 बर्ड का नाम मैंने डाल दिया स्मॉल कॉर्नर, ठीक है। ये आपको फुलफिल करना है और अपने जो है बैग लेने और उसमें इसको सेंड कर देना है। तो फ्रेंड्स मैंने सारे बर्ड्स के सैंपल कलेक्ट कर लिए और इसमें जो है मैंने पूरी तरीके से पैक कर दिया और डिटेल्स वगैरह लिख दिए कहाँ बर्ड्स जाने हैं। और आ गया हूँ अभी DTDC के कुरियर ऑफिस और यहाँ से ही मैं फास्ट सुपर फास्ट डिलीवरी जो है करवाने वाला हूँ बर्ड्स के DNA सैंपल के लिए। तो अभी मैंने वो भी करा दिया, देखिए मुझे बिल्टी मिल चुकी है। अब इसी से मुझे पता चलेगा, अपडेट मिलेगी कि मेरा पार्सल कब तक पहुँचेगा। तो यही थी वीडियो, ऐसी बर्ड्स की वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब।